छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, कक्षा नौवीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 11वें पाठ पर्यावरण के अध्ययन के क्रम में आपका स्वागत है। इस पाठ का अध्ययन हम दो वीडियो से कर रहे हैं। एक वीडियो हमने पाठ 11 पर्यावरण पार्ट 1 पढ़ा दिया और दूसरा वीडियो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक छिंदंती तक हमने पढ़ लिया था, तस्मात अवृष्टि प्रवृत्तते। यहाँ से अपना पार्ट 2 वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ में हम ये पाठ पूरा करने के बाद में 10 लाइनें इसकी बाकी है, 10 लाइनें एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए पाठ पूरा करेंगे और उसके बाद में शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ के बाद में प्रश्नोत्तर समझाएंगे। प्रश्नोत्तर इस प्रकार समझाएंगे कि एक बार समझ लेने से आपको पूर्णतः याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं 11वें पाठ का बचा हुआ गद्यांश। तो इस पाठ में पर्यावरण से संबंधित बात लिखी हुई है, तो पीछे की प्रस्तावना के विषय में ज़्यादा किसी तरह की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् अवृष्टि प्रवदते वन पश्वश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तनात् संघटापन्नो जायते एवं हि स्वार्थान्धमानवै विकृतिम् उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति ततः सर्वम् इदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति। यहाँ तक देखते हैं। तस्मात्, तस्मात् का मतलब होता है उससे, सीधा अर्थ करें तो अकॉर्डिंग टू शब्द रूप। तत्व सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी में से होता है, लेकिन अगर तस्मात् स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका मतलब होगा इसलिए। तस्मात् यानी इसलिए। अवृष्टि यानी अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है बरसात नहीं होना। प्रवर्धते, प्र उपसर्ग वर्ध धातु और आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रवर्धते यानी बढ़ती है, जिससे अनावृष्टि बढ़ती है। किससे? मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को बिना ज्ञान के काटते हैं, उससे। ये तो कल पढ़ लिया था, कल मतलब इससे पहले वाले वीडियो में। इससे अनावृष्टि बढ़ती है। वन पशु चय, देखो आदेश है का विसर्ग बन गया विसर्ग संधि से। वन पशु, पशु के अंदर बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये कर्ता बन गया। पशु पशु पशु, वन्य पशु, शरण रहिता यानी शरण रहित हो गई, शरण रहित होकर। ग्रामेश यानी गांवों में, उपद्रवम यानी उपद्रव है, विदधती यानी बढ़ाते हैं, विदधती यानी बढ़ाते हैं, क्योंकि वन्य पशु बेचारे वन काट लिए तो कहाँ जाएंगे, सीधे गांव में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे गांव में तेंदुआ आ गया, कुछ लोग कहते हैं हमारे गांव में चीता आ गया। इस तरह से वो गांव में क्यों आता है कि उन लोगों को काट लिया, ये फ़ोटो व्हाट्सएप पे आ गया, देखो ये यहाँ आ गया, उस गांव में गया, इस तरह से क्यों आता है? क्योंकि वन के वृक्ष काट लिए गए, इसलिए वहाँ से वो वन्य पशु क्या करते हैं, वन्य पशु शरण रहित होकर गाँव में उपद्रव बढ़ाते हैं। इससे अनावृष्टि बढ़ती हैं और वन्य पशु शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव बढ़ाते हैं। शुद्ध वायु रपि, रे का विसर्ग बना, देखो शुद्ध वायु हो, वायु शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कर्ता बन गया। शुद्ध वायु अपि यानी भी, अपि का मतलब भी होता है, अव्यय शब्द है। वृक्ष कर्तनात्, कर्तन शब्द है, कर्तन के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, काटने से, वृक्ष काटने से, वृक्षाणाम कर्तनात्, ऐसे आप षष्ठी तत्पुरुष समझ करके वृक्षों को काटने से, या वृक्षान कर्तनात्, वृक्षों को काटने से। संकटापन है, संकटापन है जायते, यानी संकट उत्पन्न हो जाता है, जायते का मतलब उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध वायु भी वृक्षों को काटने से संकटग्रस्त हो जाती है, कौन, शुद्ध वायु। एवं यानी इस प्रकार, ये आपका अव्यय शब्द है, ही का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए एव का मतलब होता है ही, लेकिन इस संस्कृत वाले ही का मतलब हिंदी वाले ही नहीं होता है। हिंदी वाला ही में बड़ी मात्रा होती है, वो होता है एव, संस्कृत में उसको एव कहते हैं। ये डिफरेंट आपको 100% पता रखना है, नहीं तो ये गलत हो जाता है। जो होता है वही होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है, आपके मन से फेर बदल से नहीं होता है, क्योंकि आप हिंदी की कंपेयर संस्कृत से करते हो, ही का मतलब ही कर दोगे, ऐसे नहीं होता है। एवं यानी इस प्रकार,
और एवियन ही, यहाँ पर अनुस्वार दिख रहा है, अनुस्वार है तो इसका मतलब होगा इस प्रकार, ठीक है ना, और एव होगा तो उसका मतलब होगा ही, तो यहाँ पर एवम यानी इस प्रकार स्वार्थांध मानवे, स्वार्थांध यानी स्वार्थ से अंधे, मानवी यानी मनुष्यों के द्वारा, तृतीय बहुवचन, विकृतिम उपगता प्रकृति, प्रकृति विकृतिम उपगता, प्रकृति प्रकृति विकृतिम उपगता यानी विकृति में गई हुई, उपगता यानी गई हुई, विकृति विकार प्राप्त हुई, जिसके अंदर अपन ने फोल्ड कर दिए, नदियों के मार्ग बदल दिए, नहर बना करके और सारे वन काट दिए, ये तो प्रकृति है, प्रकृति अपने अनुसार चलती है, इसमें अगर विकृति को उपगता यानी प्राप्त हुई, खो चुकी प्रकृति यानी प्रकृति, इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त की हुई प्रकृति, एव यानी ही, ये प्रकृति आपके इस सेंटेंस का करता है, क्योंकि प्रथमा एक वचन है ना, मति 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 है, प्रकृति 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 है, इस तरह से इसका रूप चलता है, प्रकृति यानी प्रकृति, एव यानी ही, इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृत की हुई विकृति को प्राप्त हो चुकी प्रकृति ही सर्वेशम यानी सभी की, सर्वेशम सर्वसर्वनाम शब्द है, षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग है, सभी की, विनाशकर्त्री यानी विनाश को करने वाली, विनाशकर्त्री के अंदर कर्त्री शब्द है, कर्त्री जो तय के नीचे री वाला वो कर्त्री, उसके अंदर गी प्रत्यय जुड़ा तो कर्त्री बना, विनाश करने वाली भवती यानी हो गई है, भवती यानी हो जाती है, इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त हो चुकी प्रकृति ही सभी की विनाश करने वाली हो चुकी है, विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्या च संभवन्ति, विकृतिम उपगते यानी विकृति के प्राप्त होने पर, विकार के उपगते यानी प्राप्त हो जाने पर क्यों लगा, क्योंकि सप्तमी एक वचन है, उपगते हो जाने पर, पर्यावरण यानी पर्यावरण के ये पर्यावरण के अंदर सप्तमी विभक्ति है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, इसलिए विकृति को पर्यावरण विकृतिम उपगति, पर्यावरण पहले आया, पर्यावरण के विकृतिम उपगते यानी विकृत हो जाने पर, विकृति में नहीं विकृत उपगते यानी हो जाने, पहले पर्यावरण का अर्थ होगा, फिर विकृतिम का, फिर उपगते का, तब जाके हिंदी बनेगी, लेकिन संस्कृत में ऐसे ही बोलते हैं, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विविधा प्रथमा बहुवचन, विभिन्न प्रकार के रोगाः यानी रोग, ये इसका विशेषण, ये विशेष्य है, इसका विशेषण ये है, विविधा विशेषण है, इसमें प्रथमा बहुवचन है, ये विशेष्य है, मेन शब्द विशेष्य होता है, रोगाः रोग की क्या विशेषताएं हैं, विभिन्न है, इसलिए ये विशेषण है और ये विशेष्य है, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विभिन्न प्रकार के रोग भीषण समस्या, चय चय का मतलब होता है और, आधे सह का विसर्ग बन गया, समस्या शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है, समस्या 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 भीषण समस्या यानी भयंकर समस्याएं, समस्याएं क्यों, क्योंकि बहुवचन है, संभवन्ति ये भी बहुवचन है, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी, संभवन्ति यानी संभवन्ति यानी हो जाती हैं, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं संभवन्ति यानी उत्पन्न हो जाते हैं, संभव होना उत्पन्न होना, तत् सर्वम इदम, देखो तय का अलंत हुआ तत् बन गया, सर्वम मैं अलंत हुआ इदानीम, इदानीम का मतलब होता है इस समय, तत् सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इदानीम यानी इस समय, तत् तत् यानी तब, सर्वम यानी सब कुछ, तब सब कुछ इस समय, चिंतन यानी चिंता करने योग्य, चिंत धातु अनियर प्रति, अनियर का मतलब होता है योग्य, तब सब कुछ इस समय चिंता करने योग्य प्रतिभाति यानी लग रहा है, महसूस हो रहा है, प्रतिभाति यानी लग रहा है, तब सब कुछ इस समय चिंता करने योग्य लग रहा है, अब तस्मात से लगा कर यहां तक फिर बोल देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट फिर आप देखते हैं, इसलिए अनावृष्टि बढ़ती है और वन्य पशु शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव मचाते हैं, शुद्ध वायु भी वृक्षों को काटने से संकटग्रस्त हो गई है, इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृत की हुई प्रकृति ही सभी का विनाश करने वाली हो जाती है, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, तब सब कुछ इस समय चिंता करने योग्य लग रहा है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, धर्मो रक्षति रक्षित इत्याश वचनम पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य वयंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः,
अतएव वापी कूप तड़ागादि निर्माण देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृत। ये देखो धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृत, ये पेज नंबर 80 पे लिखा हुआ है, यानी आगे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जब तक खड़ी पाई नहीं आती तब तक अपन किसी का अनुवाद पूरा नहीं कर सकते। और अपने बैकग्राउंड टीचिंग में बार बार पेपर उल्टे ऐसे करें तो अनुवाद में सही नहीं रहता है, इसलिए इस लाइन का यहीं पर कर देते हैं, बाकी की 3 लाइन पीछे बचेगी उसको बाद में कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखो धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म धर्मों का धर्म बन गया, लास्ट में वो है विसर्ग से अपनी उत्व विसर्ग संधि है, फिर रक्षित है रक्षित है धर्म है, तो ये आपका विशेषण है, ये विशेष है। धर्म प्रथमा एक वचन है, रक्षित प्रथमा एक वचन है, क्योंकि रक्षित में रक्ष धातु कत पड़ते हैं, ठीक है ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। रक्षित है धर्म है रक्षति, ये वेदों का वाक्य है। देखिए इति आर्ष वचनम, इति देखो य से पहले आधा अक्षर है, यह का ई बना, उस तय के अंदर जुड़ा ती बन गया, तो इति बन गया, यह केंद्र वाला आ आर्ष वचनम हो गया, इति आर्ष वचनम, इति यानी यह है, आर्ष वचनम यानी ऋषियों के वचन है, इति यानी यह है, आर्ष वचनम यानी ऋषियों के वचन है, ये ऋषियों के वचन है, कौन से है देखो, रक्षित धर्म रक्षति, रक्षित यानी रक्षा किया हुआ, धर्म यानी धर्म, रक्षति यानी रक्षा करता है, ये रक्ष धातु है, इसमें धातु रूप चलता है, रक्षति रक्षता है रक्षन्ति, लेकिन इसमें रक्ष धातु कत भरते हैं, तो इसका मतलब हुआ अर्थ होता है रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। अगर किसी भी धर्म की अपन रक्षा करते हैं तो वो धर्म हमारी रक्षा करता है, यह है ऋषियों का वचन है, ये ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम में अलंतुआ अपीवन, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण रक्षणम का समास विग्रह होगा पर्यावरणस्य रक्षणम, यानी पर्यावरण की रक्षा, अपि यानी भी, पर्यावरण की रक्षा भी, ये हो गया। अब देखते हैं धर्मस्यैवांगम इति, इसका संधि विच्छेद होगा, ये इसका संधि विच्छेद है, देखिए ध्यान से, धर्मस्य ये के अंदर वृद्धि संधि है, दो मात्रा है वृद्धि संधि हो गई, धर्मस्य और दो मात्रा होती है तब ए आ के बाद में ए ऐ आता है, तो यहाँ पर ए आ गया, ए व वा के अंदर फिर आ की मात्रा है, फिर दीर्घ संधि होगी व प्लस अ, ठीक है ना, तो ये पड़ा व प्लस अ, अ के अंदर ग और ये ग और म जुड़ गया, म के अंदर ई की मात्रा है वो बाहर निकल गई, तो इधर क्या बन गया अंगम, ये पड़ा अंगम और ई की मात्रा अंदर म के अंदर से निकली इति बन गई, ठीक है ना, धर्मस्य एव अंगम इति, यहाँ पर 4 शब्द है, ठीक है ना, ये संस्कृत का कारनामा है, इसलिए आपको संधि समास शब्द रूप धातु रूप सब कुछ याद करना, हमारे चैनल पर सब कुछ पढ़ाए हुए हैं संस्कृत व्याकरण में, आप आराम से देखो, बैठे बैठे देखो, सुबह जल्दी उठ करके अपने पापा से मोबाइल ले लो और देखो, ठीक है ना, और जो आप खड़ा मोबाइल करके देखोगे ना तो उस समय यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा तीर का निशान बना हुआ है, मतलब एक ट्राइंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन, उसको दबाओगे तो नीचे सब कुछ आपको सारी क्लासों की कक्षा 6 से 10वीं तक सब के सब दो प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है ना, जैसे 9th की 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, एक कक्षा 9th संस्कृत पाठ्य पुस्तक उसके अंदर आपको 12 पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगी कक्षा 9th संस्कृत व्याकरण उसके अंदर व्याकरण मिलेगी, लगभग 50 वीडियो है, सब कुछ देखोगे तब जाकर के आपके पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी आप थक जाते हो मतलब पढ़ते पढ़ते तो उस समय वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पास में बिठा कर जैसे पेन से समझाते हैं ऐसे तो स्कूल में भी नहीं समझाता था, ऐसे समझाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए धर्मस्य एव अंगम इति, तो इसका अर्थ क्या होगा, पर्यावरण रक्षणम अपि यानी पर्यावरण की रक्षा भी, धर्मस्य यानी धर्म की, षष्ठी विभक्ति है तो की लगेगा, धर्म का होगा, का के की ऐसा बाद वाले के अनुसार, धर्म का एव यानी ही, एव का मतलब ही, अंगम का मतलब अंग, इति यानी ऐसा, अंग है ऐसा, धर्म का ही अंग है ऐसा, ऋषिय, ऋषिय के अंदर प्रथमा बहुवचन है, इसलिए ऋषियों ने क्यों लगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा कर्ता ने, ऋषियों ने प्रतिपादित बनते हैं यानी प्रतिपादित किया, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना भी या फिर पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया, ऋषियों ने हमको बताया अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ये एक धर्म होगा,
अतएव यानी इसलिए, अतएव यानी इसलिए। आप ध्यान से देखो, वापी कूप तड़ाग गा, गा के अंदर दीर्घ संधि आदि, तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम ग्रह आदि स्थानम स्थापनम स्थापन आदि, यह का आदम बन गया। ये आपकी परस्वर्ण संधि से, व्यंजन संधि की परस्वर्ण संधि से यहाँ पर यह बना है, क्योंकि चय होने की वजह से यह बन गया, बाकी यहाँ पर म था। तो यहाँ पर क्या है, आदि हा के अंदर दीर्घ संधि से आदि स्थापनम चय धर्म सिद्धे स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धे स्त्रोतों का स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम, अतएव यानी इसलिए वापी यानी बावड़ी स्टेप वेल, ठीक है ना, बावड़ी होती है ना बावड़ी, बहुत बड़ा कुआ, और कूप यानी कुआ, तड़ाग का मतलब तालाब, बावड़ी कुआ तालाब आदि निर्माण यानी आदि का निर्माण, और देवायतन, देवायतन का मतलब होता है मंदिर, और विश्राम ग्रह यानी विश्राम ग्रह, ठीक है ना, रेस्ट हाउस, विश्राम ग्रह आदि यानी आदि की स्थापनम यानी स्थापना, और यहाँ पर आ जाएगा और विश्राम ग्रह आदि, ठीक है ना, मंदिर और विश्राम ग्रह आदि की स्थापना में स्थापना, धर्म सिद्ध यानी धर्म की सिद्धि का क्यों लगा, क्योंकि सिद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और षष्ठी एक वचन में सिद्धि ही होता है मते की तरह, धर्म सिद्ध यानी धर्म सिद्धि का स्त्रोत है यानी स्त्रोत सोर्स, ठीक है ना, सोर्स के रूपेण यानी रूप में अंगीकृतम यानी स्वीकार किया गया है, अंगीकृतम यानी अंगीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, इसलिए बावड़ी कुआ तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और विश्राम ग्रह की स्थापना करना धर्म की सिद्धि के स्त्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। अब तीनों लाइन वापस देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ की तीन लाइन है, फिर पाठ पूरा हो जाएगा। रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों के वचन है, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया, इसलिए बावड़ी कुआ तालाब आदि का निर्माण और मंदिर तथा विश्राम ग्रह आदि की स्थापना करना धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये अपना अंतिम पैराग्राफ है, धर्म सिद्धि स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम, यहाँ तक तो अपने पढ़ लिया, क्योंकि इसको अपने पीछे लिख करके पढ़ा था ये खड़ी पाई तक। अब कुक्कुर से पढ़ते हैं, कुक्कुर से लगाकर संशय तक, कुक्कुर शूकर शरप नकुलादि स्थलचरा मत्स्य कश्चप मकर प्रभृत्य जलचराश्च अपिरक्षणीय यतः ते स्थलमलानाम अपनोदिन जलमलापानाम जलमलानाम अपहारिणश्च प्रकृति रक्षया एव लोकरक्षा संभवते इत्यत्र नास्ति संशय। अब कुक्कुर से वापस देखते हैं, कुक्कुर यानी कुत्ता, शुकर यानी सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल यानी नेवला, ठीक है ना, कुत्ता सुअर सांप नेवला आदि यानी आदि, स्थल चरा यानी स्थलीय जीव कौन से होते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है ना, स्थल चरा यानी स्थलीय जीव, और मत्स्य यानी मछली, कश्चप यानी कछुआ, मकर यानी मगरमच्छ, ठीक है ना, मछली कछुआ मगरमच्छ, प्रवृत्ति है मतलब आदि, प्रवृत्ति शब्द इकारांत है उसका, प्रवृत्ति 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 है, ठीक है ना, इस तरह से आदि, जलचराश्चय, चय का मतलब और हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मछली कछुआ मगरमच्छ आदि, मछली से पहले इस चय का अर्थ होगा, चय का अर्थ ठेठ यहाँ पे होगा, और मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जल चरा यानी जलीय जीव, अपि यानी भी, रक्षणीय यानी रक्षा करने योग्य है, रक्षणीय में रक्ष धातु अनेर प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, रक्षणीय है रक्षणीय रक्षणिया यानी रक्षा करने योग्य है, फिर कोमा आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ से देख लेते, कुत्ता सुअर सांप नेवला आदि जलीय जीव, मछली कछुआ मगरमच्छ आदि, सॉरी यहाँ पर स्थलीय जीव बोलना था, कुत्ता सुअर सांप नेवला आदि स्थलीय जीव और मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जलीय जीव भी रक्षा करने योग्य है, यतः यानी क्योंकि, बिकॉज
ये यथा है शब्द है, इसका क्योंकि अर्थ होता है, ये अव्यय शब्द है, परफेक्टली याद रखना। ते यानी वे सभी, ये कौन से स्त्रीय जीव के बारे में है। ते यानी वे सभी स्थल मला नाम, स्थलीय मला नाम, मल शब्द है, मल शब्द है, मल का मतलब गंदगी होता है, तो वो षष्ठी बहुवचन है। स्थल मला नाम यानी स्थलीय गंदगी को अपनो दिने यानी दूर करने वाले, अपनो दिने यानी दूर करने वाले। जल मला नाम अपहारिणश्च, आदि शय का विसर्ग बन गया, सत्व विसर्ग संधि से चय का मतलब और हुआ, और यहाँ पे होगा। और जल मला नाम यानी जल की गंदगी को अपहारिण है यानी दूर करने वाले होते हैं, अपहारिण है यानी दूर करने वाले होते हैं, क्योंकि वे सभी स्थलीय गंदगी को दूर करने वाले और जलीय गंदगी को दूर करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सूअर वगैरह बेचारे गंदगी को दूर ही करते हैं और क्या करते हैं। प्रकृति रक्षा यानी प्रकृति की रक्षा से, देखो रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीया एक वचन है, तृतीया में करणकारक होता है, से अर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ है से। प्रकृति की रक्षा से एव यानी ही लोक रक्षा यानी लोगों की रक्षा संभवती यानी संभव हो सकती है। प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा संभव हो सकती है। इत्यत्र यानी ऐसा यहाँ, इत्यत्र नास्ति संशय, इत्यत्र यानी इसमें, अत्र का मतलब यहाँ भी होता है इसमें भी होता है, संशय न अस्ति कोई संदेह न यानी नहीं, अस्ति यानी है। प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा संभव हो सकती है, इसमें अत्यत्र इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप कुकुर से संशय तक वापस देख लो, फिर पाठ पूरा हो जाता है। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलीय जीव और मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलीय जीव भी रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि वे सभी स्थलीय गंदगी को दूर करने वाले और जलीय गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा संभव हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। क्लियर हुआ? अब अपन लेते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में बहुत कम समय लगेगा। देखिए ये संस्कृत लिखा हुआ है, ये भी संस्कृत है, इसका ये संस्कृत है और इसका ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, ठीक है ना। सर्वेशाम, सर्वेशाम सबका, ओवरऑल, पोषणाति पोषण करता है, पुष्ट करता है, नेचुरल नेचुरेस, अजात है शिशु, अनुत्पन्न जातक है, अजन्मा शिशु, अनबोर्न चाइल्ड, कक्षो गर्भ में, गर्भे गर्भ में, इन वॉर्म जलप्लावने, जलोघये बाढ़ से, बाय फ्लड्स, वात्याचक्री वातचक्री, आंधी या बवंडर, बाय विंड स्टॉर्म्स, लोकमंगला संसिने समाज कल्याण काम, जनता के कल्याण को चाहने वाले, वेल विजर ऑफ द सोसाइटी, श्रोत रसायनम कर्णामृतम कान को अच्छा लगने वाला, नेक्चर फॉर ईयर्स। अब अपना है ये ईयर्स हो गया। अब है गिरी निर्जरा पर्वता नाम प्रपाता, पहाड़ों से निकलने वाले झरने, स्प्रिंग फॉल्स, यंत्रागारा नाम यंत्रालया नाम कारखानों के, ऑफ मिल्स अपेयम पातुम अयोग्य न पीने योग्य अनड्रिंकेबल, वृक्ष कर्तनात् वृक्षाणाम उच्छेदात् पेड़ों के काटने से, फ्रॉम कटिंग ट्रीज, देवायतनम देवालय मंदिर टेम्पल, स्थल मलाप नोदिने भूमि मलाप सारिने भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, रिमूव्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द अर्थ। क्लियर हुआ? अब अपन लेते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में ही उत्तर लिखना है, एक शब्द में ही उत्तर लिखना, पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है। मानव कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति, मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित रहता है? मनुष्य अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित नहीं रहता है, मनुष्य तो पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है, वो माता के गर्भ में तो आजाद शिशु रहता है, इसलिए इसका अर्थ क्या, इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर होगा पर्यावरण कक्षो यानी पर्यावरण की कोख में। दूसरा क्वेश्चन है सुरक्षितम पर्यावरण कुत्र उपलब्ध, इसमें सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर उपलब्ध होता है, तो वन में होता है, पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। तो इसके उत्तर में सिर्फ लिखा जाएगा वने यानी वन में, सप्तमी एक वचन है और ये भी सप्तमी एक वचन है। कुक्षी शब्द इकारांत है उसका, कुक्षो यानी कोख में, पर्यावरण की कोख में, वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर्ष वचनम किम अस्ति, ऋषियों के वचन क्या है, तो ये तो अपने को लिखना पड़ेगा ये, ठीक है ना, धर्मो रक्षति रक्षित है। उसके बाद में पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषय प्रतिपादित बनते, पर्यावरण भी किसका अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया, तो धर्म का अंग है, तो धर्म का उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, धर्मस्य, ठीक है ना, धर्म का षष्ठी एक वचन। लोक रक्षा कया संभवती, अभी भी पढ़ा था अपने लास्ट में, लोक रक्षा कया यानी किसके द्वारा, ये किम सर्वनाम शब्द तृतीया एक वचन है, तो तृतीया एक वचन में ही आंसर देना पड़ेगा। तो लोक रक्षा किससे होती है, प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से, ये इसका आंसर बन गया प्रकृति रक्षा। फिर अजात शिशु कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति, अजन्मा शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है, तो अजन्मा शिशु कहाँ पर रहता है आपको पता ही है, मातृगर्भे, ठीक है ना, ये इसका आंसर बन गया मातृगर्भे। फिर है प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किन की संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है, तो समेषाम प्राणीनाम सभी प्राणियों की, समेषाम प्राणीनाम सभी प्राणियों की, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अपना है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना, मतलब पूर्ण सेंटेंस में लिखना है। तो क्या है, प्रकृति प्रमुख तत्वानी कहानी संति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके जो पीछे वाला वीडियो था उसमें आपने पढ़ा था, और ये आपके इसका सटीक आंसर है। आपको दूसरे के कह का उत्तर क्या है, पृथ्वी जलम तेज है वायु आकाश है चय प्रकृति प्रमुख तत्वानी संति, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकृति के षष्ठी एक वचन है, प्रमुख तत्वानी संति यानी प्रमुख तत्व है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रमुख तत्वानी अलग अलग लिखो तो बीच में डैश कर देना, इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, स्वार्थांध मानव किम करोति, स्वार्थ से अंधा मनुष्य क्या करता है, तो स्वार्थ से अंधा मनुष्य क्या करता है, इसका आंसर सटीक आंसर ये बैठेगा दूसरे का ख, स्वार्थांध मानव पर्यावरण नाशयति, स्वार्थ से अंधा मनुष्य पर्यावरण को नष्ट करता है, ठीक है ना। अब आपका आएगा तीसरा, मतलब ग, पर्यावरण विकृति जाते किम भवति, पर्यावरण में विकृति आने हो जाने पर क्या होता है, तो इसका सटीक आंसर भी आप देख सकते हो, दूसरे के गह का आंसर है पर्यावरण विकृति जाते, तीनों में सप्तमी एक वचन है, पर्यावरण में विकृति आ जाने पर विविधाः रोगा यानी विभिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च यानी भीषण समस्याएं संभवती यानी हो सकती है, ठीक है ना, ये आपके दूसरे के गह का आंसर हो गया। अब आता है दूसरे का घ, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, हमारे द्वारा तृतीय बहुवचन, पर्यावरण से पर्यावरण की षष्ठी एक वचन, रक्षा प्रथमा एक वचन, कथम अव्यय कैसे करणिया करनी चाहिए अनियर प्रत्यय, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, तो इसका आंसर अपने पाठ के अंदर देख सकते हैं अपन, क्योंकि अपने पहले वीडियो में जो पढ़ा था उसके अंदर अपन ने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर है पाठ के अंदर नहीं मिल रहा है, मेन पाठ के अंदर, तो आमुख में इसको ढूंढते हैं। देखिए ये इस पार्ट का अमुक है, अमुक के अंदर इसका आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वे हमारे, यहाँ पर आपके ये लिखा है कि इसके कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि के बाद में यहाँ पर वयम से अश्माभि का अश्माभि यानी हमारे द्वारा, वयम यानी हम वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, जल की शुद्धता करना, ऊर्जा का संरक्षण करना, उद्यान तालाब आदि को शुद्ध करना, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वयम से लगा करके अपना कहाँ तक, कुरियाम तक, ये दूसरे के घ का आंसर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा कर यहाँ तक आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब आ जाता है अपना दूसरे का ड, ड क्या है,
कि लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव हो सकती है, तो ये अभी अभी पढ़ा था अपन ने, इसका उत्तर होगा ये सटीक उत्तर। दूसरे के ढ का उत्तर है प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से एव यानी लोक रक्षा संभवती, यानी लोक रक्षा संभव हो सकती है। क्लियर हुआ? तो चे अपना प्रश्न है, परिष्कृत पर्यावरण अस्मभ्यम किम किम ददाती, परिष्कृत पर्यावरण हमें क्या क्या देता है, तो उसका आंसर ये बनेगा, पाठ के अंदर भी लिखा हुआ है, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाती। परिष्कृत पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपके। अब आएगा तीसरा क्वेश्चन, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। प्रश्न बनाने वाले पीछे के 10 पाठों में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो स्थूल पद यानी हाईलाइटेड वर्ड है इसके अंदर कौन सी विभक्ति और कौन सा लिंग है वो ध्यान रखना है। वन वृक्षा के अंदर पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो आपको किम सर्वनाम शब्द है ना, किम सर्वनाम शब्द जो क्या या कौन उसका हिंदी में अर्थ होता है, कौन जो सर्वनाम शब्द है उसका किम होता है, उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है, हमारे चैनल पर वो पढ़ाया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल के शब्द रूप के चौथे वीडियो में जाकर के उसको सुन सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो कि उसके अर्थ कैसे होते हैं। वन वृक्षा यानी वन के वृक्ष, वन वृक्षा यानी वन के वृक्ष निर्विवेकम छिद्यन्ते यानी बिना विवेक के, बिना ज्ञान के काटे जाते हैं, तो कौन बिना ज्ञान के काटे जाते हैं, तो प्रथमा बहुवचन होगा किम सर्वनाम शब्द का, के कहू के, तो वन वृक्षा की जगह के आएगा, जो हिंदी वाला के नहीं है ये, किम का के यानी कौन सभी, ठीक है ना, कौन सभी बिना विवेक काटे जाते हैं, तो ये निर्विवेकम छिद्यन्ते इसके आगे सेम टू सेम लिख देना है, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क कर देना है। क्लियर हुआ? अब वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तनात् के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो अपन को किम सर्वनाम शब्द का पंचमी एक वचन पुल्लिंग में लिखना होगा, कस्मात्, ठीक है ना, वृक्ष कर्तनात् की जगह कस्मात् लिख दिया, बाकी सेम टू सेम, शुद्ध वायु न प्राप्यते, किस से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त करते हैं, वृक्षों के काटने से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त करते हैं, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाती, प्रकृति जीवन सुख देती है, तो ये सुखम है, ये नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है, तो उसकी जगह किम आएगा, प्रकृति किम प्रददाती, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, किम प्रददाती, ठीक है ना, ये द्वितीय एक वचन है, ये भी द्वितीय एक वचन है, नो प्रॉब्लम। अजात शिशु मातृ गर्भे, ये सप्तमी एक वचन है, ठीक है ना, सुरक्षित है तिष्ठति, और क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तो इसका क्वेश्चन हिंदी में क्या बनेगा, अजन्मा शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है, तो कहाँ पर, ये सप्तमी विभक्ति में त्रशिल प्रत्यय वाले आते हैं, कुत्र अत्र तत्र सर्वत्र, इस तरह से त्रय आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुत्र आ जाएगा, मातृगर्भे की जगह कुत्र आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम, धर्मस्य की जगह कस्य आएगा, यह षष्ठी एक वचन है, किम सर्वनाम शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है, कस्य, इसलिए इसका इसका क्वेश्चन बनेगा पर्यावरण रक्षण कस्य अंगम अस्ति, ऐसे नहीं है कि आप ऐसा लिख करके आंसर में सिर्फ ये लिख दो, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, धर्मस्य की जगह कस्य लिखना, बाकी सेम टू सेम आपको लिखना, आप खुद लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क करना नहीं भूलना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन एंड हो गया, अब आ जाएगा अपना चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरणाम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना बनेनी, जले चरन्ते जलचर है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जल में विचरण करने वाले जलचर, स्थले चरन्ते स्थलचरा, निशायाम चरन्ते निशाचरा, व्योमनी चरन्ते व्योमचरा, व्योम का मतलब आकाश में, ये सब सप्तमी एक वचन है, जल में स्थल में निशायाम आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन, व्योमनी ये व्योमन शब्द है नकारांत उसका सप्तमी एक वचन, व्योमनी गिरऊ गिरे शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द है सप्तमी एक वचन, हरऊ की तरह हरी शब्द का रूप चलता है, ठीक है ना, भूमौ ये भूमि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जो कि छोटी ई की मात्रा है, मति शब्द की तरह सप्तमी एक वचन है, तो सब में सप्तमी एक वचन है तो में लगेगा, जल में विचरण करने वाले जलचरा, स्थल में विचरण करने वाले स्थलचरा, निशायाम रात्रि में विचरण करने वाले निशाचरा, व्योमनी चरंती आकाश में विचरण करने वाले व्योमचरा पक्षी इत्यादि, गिरव चरंती पर्वत पर विचरण करने वाले गिरिचरा, और भूमिहो चरंती यानी भूमिचरा, इस तरह से प्रथमा बहुवचन वाले, क्योंकि यह बहुवचन है चरंती बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन में आंसर आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना, स्थलचरा निशाचरा व्योमचरा गिरिचरा भूमिचरा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है यथा, उदाहरण न पेयम अपेयम, ये आपका नए तत्पुरुष समास है,
अपेयम नैपेयम, नहीं पिया जाता है वो अपेय होता है। नैवृष्टि इति अवृष्टि, नैसुखम इति असुखम, नै भाव इति अभाव, नै पूर्ण इति अपूर्ण है। ठीक है ना, इस तरह से आपका अवृष्टि, असुखम, अभाव है और अपूर्ण है, ये आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब है अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, उदाहरण मनुश्रित्य पद निर्माण कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद निर्माण करना है। पद निर्माण मतलब शब्द का निर्माण करना है। देखो वी उपसर्ग है, क्री धातु और कतिन प्रत्यय, कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बनाता है, तो इसका कै भी कट गया, नै भी कट गया, ती शेष रहा, तो विकृति, विकृति बन गया। अब देखो प्रगम, ठीक है ना, और कतिन प्रत्यय का ती शेष रहा और गम का ग शेष रहा, मैं हंत हो गया, प्रगति, तो क्या बनेगा, प्रगति ही। इस तरह से आपका ये प्रगति शब्द है ना, इसमें प्र उपसर्ग है, गम धातु, कतिन प्रत्यय, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आप जो को पाठ पढ़ाते हैं तब बोलते हैं, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि YouTube है, YouTube में एक बार चीज बोली जाती है, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप पीछे ले जाकर के रिपीट करके आप दोबारा समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर उपसर्ग इतना ही था, अब यहाँ पर सीधा क्या है, केवल धातु और प्रत्यय है, ठीक है ना। प्रत्यय हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाए हुए, 35-40 प्रत्यय समझाए हुए, आप लोग वहाँ जाकर के देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, एक भी प्रत्यय शेष नहीं रहेगा। दृश्य धातु कथन प्रत्यय दृष्टि बना, दृष्टि शब्द होता ना वो, गम का गति, ठीक है ना, मन का मति, मन के साथ कथन प्रत्यय मति जुड़ा, सम के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा तो सम का साम बन जाएगा, और साम बन जाएगा तो शांति बन जाएगा, ठीक है ना, इसमें मैं नहीं कटेगा। भी का भीति, ठीक है ना, जन का, जन का जन के साथ में कथन प्रत्यय जुड़ा तो थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि जन के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा तो बनता है जाति, जय का जा बन जाता है, जन का जा बन जाता है जाति, जाति का मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है ना। और भज का, भज के साथ कथन प्रत्यय, जय का क्या बन जाएगा, भक्ति। इस तरह से नी का नीति ही, कैसे बनेंगे बता देते हैं आपको, ऐसे बनेंगे सारे शब्द। दृश्य के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा दृष्टि, गम के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा गति ही। देखो यहाँ पर विसर्ग क्यों लगा है, क्योंकि सब प्रथमा एक वचन में लिखा है, गति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये सारे इकारांत स्त्रीलिंग, मति की तरह इसका रूप चलता है, ये मति शब्द है ना, ये कैसे बना, मन धातु के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा तो मति शब्द बना, ठीक है ना। सम के साथ कथन जुड़े हुए तो शांति ही बना, भी के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा तो भीति ही बना, जन के साथ कथन प्रत्यय जुड़ा तो जाति ही, और भज के साथ कथन प्रत्यय भक्ति, नी के साथ कथन प्रत्यय नीति, ये सब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए कि नहीं हुए। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, निर्देशानुसार परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है, जैसे स्वार्थान्धो मानव अद्य पर्यावरण नाश्यति, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो ये एक वचन है। देखिए स्वार्थान्धो, ये स्वार्थान्ध है ना, उत्व विसर्ग संधि से, ये प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है। अद्य पर्यावरण नाश्यति, ये नाश्यति प्रथमा एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका संबंध है वो कर्ता से, कर्ता ये है, ये कर्ता का विशेषण है, विशेषण के अंदर जो कर्ता में विभक्ति होती है वही विशेषण में होती है। तो यहाँ प्रथमा एक वचन है, यहाँ प्रथमा एक वचन है, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है, और अद्य पर्यावरण ये कर्म है, इसका संबंध इनसे कोई नहीं है, तो अपने को ये अद्य और पर्यावरण सेम टू सेम लिख देना है और इनको बहुवचन बना देना। स्वार्थान्ध है स्वार्थान्धो, स्वार्थान्धा, मानव है मानव, मानवाहा, नाश्यति नाश्यत नाश्यंती, तो इसका बहुवचन हो गया, इसका बहुवचन हो गया, इसका बहुवचन हो गया। तो ये अपन समझ गए हैं कि एक वचन से किस तरह से बहुवचन में चेंज किया था। तो अपन को संतपस्य मानवस्य मंगलम कुतः है, इसको बहुवचन में चेंज करना, ठीक है ना। संतप्त मनुष्य का मंगल कहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, संतप्त मनुष्यों का, मनुष्य का की जगह मनुष्यों का कल्याण कहाँ है, तो अपन क्या लिखेंगे, संतप्ता नाम मानवानाम मंगलम कुतः है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर है छठे के कह का, संतप्ता नाम मानवानाम मंगलम कुतः है, क्लियर हुआ। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बहुवचन में सुरक्षित रख सकते हो। अभी आपका जो है सेकंड क्या है, मानवः पर्यावरण कोक्षो सुरक्षितः भवन्ति, एक वचन में कन्वर्ट करना है। मानवः बहुवचन है, सुरक्षितः बहुवचन है, भवन्ति बहुवचन है, तो मानव कैसे हैं, सुरक्षित है, इसलिए ये विशेष्य पहले आया, उसके बाद में ये विशेषण है, तो विशेष्य में प्रथमा बहुवचन है, इसके कारण इसमें प्रथमा बहुवचन है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रथमा बहुवचन की वजह से उधर, इधर विशेष्य मेन शब्द के अंदर जो विभक्ति होती है वो विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों में होती है, और ये कर्ता है, और ये कर्ता का विशेषण है, और ये आपका बहुवचन है, ठीक है ना। क्योंकि कर्ता में बहुवचन है तो इधर भी बहुवचन है, तो एक वचन में कैसे चेंज होगा, मानवाहा, मानव है, पर्यावरण कुक्षो तो सेम टू सेम रहेगा, अधिकरण का करण का कोई भी संबंध नहीं होता है क्रिया से, क्रिया से जिसका संबंध होता है वहाँ वचन चेंज होता है। मानव है, पर्यावरण कुक्षो सुरक्षित है, भवंती की जगह क्या हो जाएगा, भवती, ये आपका हो गया।
छठे का ख मानव है पर्यावरण कुक्षो सुरक्षित है भवंती, मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। अब आपका ग छठे का ग क्या, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन के वृक्ष बिना ज्ञान के काटे जाते हैं, इसको एक वचन में करना है। तो छिद्यन्ते बहुवचन है, वन वृक्ष बहुवचन है, निर्विवेकम कर्म है, कर्म का संबंध क्रिया से होता नहीं है, कर्ता का संबंध होता है। तो वन वृक्ष है निर्विवेकम छिद्यन्ते की जगह छिद्यते हो जाएगा, एक वचन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही होगा आपके। ये देख लीजिए छठे का ग, इसके अंदर वन वृक्षा की जगह वन वृक्ष है बन गया, निर्विवेकम छिद्यन्ते की जगह छिद्यते हो गए, एक वचन में कन्वर्ट हो गया। अब आपके जो है ये गिरी निर्जरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, पर्वतों के झरने निर्मल पानी देते हैं, इसको द्विवचन में चेंज करना है, ये आपके बहुवचन है। तो गिरी निर्जरा का बहु एक वचन है, देखो इसका बालक की तरह रूप चलता है, गिरी निर्जरा है, गिरी निर्जराऊ, गिरी निर्जरा, तो यहाँ पर क्या आएगा गिरी निर्जराऊ निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति की जगह प्रयच्छत आएगा, ठीक है ना, इस तरह से आपका ये द्विवचन में चेंज होगा। ये आपके इसका आंसर बन गया, क्या बना, गिरी निर्जरो निर्मलम जलम प्रयच्छत है, क्योंकि बहुवचन है तो इसको द्विवचन में गिरी निर्जरो कर दिया। अब ये द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन आएगा, प्रयच्छति की जगह प्रयच्छते आ जाएगा, इस तरह से इसका आपका घ का आंसर बन गया। अब आपका ड है ना छठे का ड, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन में करना है, तो सरित ये तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका प्रथमा एक वचन है सरित है, सरित सरित ऐसे सरित 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 ऐसे रूप चलता है, तो सरित है आपके पाठ के अंदर भी आया है, सरित है गिरी निर्जरो ऐसे पाठ के अंदर आया था, तो इसका बहुवचन होगा सरित निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, कैसे होगा हम आपको बता देते हैं, ये ऐसे होगा छठे का ड है सरित निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ये बहुवचन होगा, ये बहुवचन होगा, इसके चेंजिंग नहीं होगा, ये आपके छठे का जो हो गया। अब छठे का आ आ अ ठीक है ना, ये तो छठा, ये छठे का अ क्या है, पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए भवंत है आप सभी, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब आपके जो छठा क्वेश्चन है उसका आ, आ क्या कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप किम करिष्यन्ति, क्या कर सकते हो, इति विषय, इस विषय में पंच वाक्यानि, पांच वाक्य लिखत यानी लिखो, जैसे जैसे इसने एक वाक्य तो लिख दिया, अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातिष्यामि, मैं जहरीले कचरे को नदी में नहीं डालूंगा, तो ये आपको वापस पांच लाइनें लिखनी है, तो अपन लिख के बता देते हैं, ऐसे आपको मन से लिखना, अगर आप ग्रामर जानते हो संस्कृत को तो आपने आप कोई सेंटेंस बना करके उसका संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हो, ये देख लीजिए ठीक है ना, ये हमने लिख करके आपकी सुविधा के लिए बताया, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। ये क का क्या है, अहम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, ये वाला क्या इधर ले आया, क्या इधर ले आया, गया इधर ले आया, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, अहम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्षों का कर्तन नहीं करूंगा, मतलब मैं वृक्ष नहीं काटूंगा, अहम अधिकाधिकम वृक्षारोपण करिष्यामि, मैं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करूंगा, अहम पर्यावरण संरक्षणाय जनान अवबोधयिष्यामि, मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को समझाऊंगा, प्लास्टिक निर्मित वस्तुनाम मर्दायाम लयम न करिष्यामि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, लयम न करिष्यामि मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, है ना, मृदा में जो उपजाऊ भूमि है उसमें, जल संरक्षणाय संवर्धनाय सहायो भविष्यामि, जल संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए सहायक बनूंगा, इस तरह से भवामि की जगह भविष्यामि कर सकते हो आप, बनूंगा, ठीक है ना, ये आपके छठे का हो गया। अब अपने आएगा सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, उदाहरण उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखना है, संरक्षणाय के अंदर देखो संरक्षणाय के अंदर सम उपसर्ग है, रक्षणाय के अंदर रक्षण है, रक्ष धातु है, ल्युट प्रत्यय है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, लेकिन अपन को कुछ नहीं बनाना है, अपन को सम उपसर्ग लिखना है, तो प्रभवत्य में क्या है, प्र उपसर्ग है, तो अपने को सिर्फ प्र लिखना है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर भी वेरी सिंपल है, उपसर्ग बहुत सिंपल होते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उपलब्धि प्रत्यय में क्या कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, निवशंति में नी उपसर्ग है, आपको निर वगैरह निस वगैरह भी दे देंगे लेकिन यहाँ पर नी उपसर्ग है, समोपहरंति के अंदर सम उपसर्ग है, उपहरंति शब्द है, और वितरंति में वी उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग है, उपगता में उप उपसर्ग है, प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है, ऐसे ठीक है ना, इस उपलब्धते में उप है, निवशंति में नी, समोप्रप्ति में सम है, वितरंति में वी है, प्रयच्छन्ति में प्र, उपगता में उप है और प्रतिभाति में प्र उपसर्ग है। अब सातवें का अंतिम अ देख लेते हैं, ये जो सातवें का अंतिम क्वेश्चन है मतलब इस पाठ का,
उदाहरणाम अनुसृत्य है, उदाहरण के अनुसार अधोलिखिता नाम नीचे लिखे समस्त पदा नाम समस्त पदों का विग्रह लिखत हुए विग्रह लिखना है। जैसे तेजो वायु, तेज है वायु च, ये आपका द्वंद्व समास है, तेजो वायु के अंदर तेज है वायु। गिरि निर्जरा, गिरिय है निर्जरा च, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन होगा, यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन होगा, और यहाँ द्विवचन है तो यहाँ पर एक एक वचन होगा। जैसे पत्र, पत्र पुष्पे, तो ये पुष्प शब्द है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी द्विवचन में, क्योंकि द्विवचन लिखा जाता है और लिंग और शब्द रूप बाद वाले शब्द का लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है और यहाँ पर पुल्लिंग होता है तो यहाँ वाले का लिखा जाता है। ये आपके समास टॉपिक हमारे चैनल पर पढ़ाया, वहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका क्या होगा, पत्रम पुष्पम चय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पत्रम चय पुष्पम चय। और लता वृक्षो, ये लता और वृक्षो द्विवचन है तो दो ही है, एक लता है और एक वृक्ष है, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे लता चय वृक्ष चय, ठीक है ना, बीच में चय लिख सकते हो, ऐसे ही होता है। अब देखिए, लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन में ऐसा लिखा जाता है। वृक्ष होता है आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसको प्रथमा एकवचन में ऐसे लिखा जाता है। पशु पक्षी, अब पशु पक्षी है ना, ये बड़ा ई की मात्रा कहाँ पर होते हैं, आपको ईकारांत पुल्लिंग शब्द देखा है, हरी शब्द का हरी 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 है, तो द्विवचन में ये लिखा हुआ है, बाकी ये ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, पशु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पशु चय पक्षी चय। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर एक वचन है, दोनों मिलकर द्विवचन बन गया, तो यहाँ पर द्विवचन आया। अब कटी पतंगो, सॉरी कीट पतंगो, कीट भी पुल्लिंग है और पतंग भी पुल्लिंग है, दोनों के अंदर यहाँ पर द्विवचन में लिखा है, तो अपन एक एक वचन में लिख देंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह, ऐसे कीट है चय पतंग है चय, प्रथमा एक वचन में विसर्ग होता है। अब पाठ तो पूरा हो गया, लेकिन आगे कुछ पाठ के पीछे परियोजना कार्य और योग्यता विस्तार लिखा है। योग्यता विस्तार का मतलब होता है कि आपकी जो एबिलिटी है उसमें डेवलपमेंट होगा, तो वो चीज़ अपने को आवश्यक रूप से पढ़नी चाहिए, तो उससे अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, बहुत ही रोचक बातें कहानी नुमा बातें होती है। तो चलते हैं आज अपने योग्यता विस्तार को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके अंदर आपके ग्रामेटिकल भी आपको ज्ञान होगा, व्याकरणात्मक ज्ञान भी होगा, और उसके बाद में एक्स्ट्रा नॉलेज आज यहाँ पर आपके प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है इस पाठ का योग्यता विस्तार। देखिए, यह पाठ पर्यावरण को ध्यान में रखकर के लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही है, कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है, वन्य जीवों की जातियां भी नष्ट हो रही है, वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों और वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत हो रहा है। पत्र पुष्प फल काष्ठ मतलब लकड़ियां, छाया व औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वापेक्षा पहले की अपेक्षा से अधिक प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी जा रही है। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद देखने योग्य है, ठीक है ना, शब्द युग्म, संकल्प सत्य संकल्प सत्य संकल्प, आचार सदाचार, जन और सज्जन, संगति सतसंगति, मति सनमति, इस तरह से ये शब्द युग में। अब आर्ष वचन आया था पाठ के अंदर, ऋषि के द्वारा कहा गया वचन आर्ष वचन कहलाता है, ठीक है ना, धर्मो रक्षति रक्षित है, इत्यार्ष वचन है, इस तरह से जो अपने पाठ के अंदर आया था उसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। अब पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पाँचों तत्वों से ये शरीर बनता है और ये अपना क्या बनता है, पृथ्वी बनती है। अब कुछ आगे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। अब यहाँ पर लिखा है समानांतर श्लोक एवं सूक्तियाँ। समानांतर का मतलब होता है मतलब पर्यावरण से संबंधित निम्न उक्तियाँ एवं श्लोक पढ़ने योग्य हैं तथा याद करने योग्य हैं। हमारी संस्कृति में वृक्ष है वो वंदनीय है, वृक्ष पूजा करने योग्य है, इसलिए वृक्षों को काटना उखाड़ना वर्जित है। मत्स्य पुराण में लिखा है दस कूप क्षमा वापी दस वापी क्षमो हृदय दस हृदय समय पुत्रो दस पुत्र क्षमो ध्रुव। अब ध्रुव का मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष कैसा होता है, दस पुत्र समय दस पुत्रों के समान होता है, दस बेटों के समान एक पेड़ होता है, और दस हृदय समय पुत्र है, और एक पुत्र होता है वो दस तालाब के समान होता है, और दस वापी समय हृदय, और दस बावड़ियों के समान एक तालाब होता है, और दस कूप समा वापी, और बावड़ी होती है वो दस कुओं के समान होती है। तो यहाँ से देखो, दस कुओं के समान एक बावड़ी होती है, और दस बावड़ियों के समान एक तालाब होता है, और दस तालाब के समान एक पुत्र होता है, और दस पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। अब देखिए, तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना, न केवल धार्मिक अपितु चिकित्सा की दृष्टि से भी यह रक्षा करने योग्य है, इसलिए घर के आंगन में इसके रोपण का बड़ा महत्व है।
पुराण और वैदिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को दूर करता है। कहा गया है, क्या कहा गया, जूम करके देखते हैं। ये कहा गया है, तुलसी काननी चैव गृही यस्य अवतिष्ठते तद गृहं तीर्थम इति आहु नायन्ति यम किंगरा। तुलसी जंगल में या फिर घर में जिसके रहती है वह घर तीर्थ होता है। ऐसा कहा गया है कि यम किंगरा ने आयांति, यमदूत उसके घर पर नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये पद्योत्तर खंड में लिखा हुआ है, तुलसी गंधम मादाय यत्र गच्छति मारुत दिशो दस पुनाति यासु भूत ग्राम चतुर्विधान। तुलसी गंधम आदाय, तुलसी की सुगंध लेकर के, यत्र गच्छति मारुत है, मारुत है यत्र गच्छति, वायु जहाँ पर जाती है, दिशो दशे पुनाति, दसों दिशाएं पवित्र हो जाती है, आंसू यानी शीघ्र ही, और कौन पवित्र हो जाते हैं, भूत, भूत का मतलब प्राणी होता है मनुष्य, ग्रामान यानी गांव, और चतुर्विधान यानी चारों प्रकार से पुनाति यानी पवित्र हो जाते हैं। तुलसी का रस होता है तीव्र ज्वर को यानी तीव्र बुखार को नष्ट कर देता है। कहा गया है, पीतो मरीचि चूर्णेन तुलसी पत्र जो रस है द्रोण पुष्प रसो अप्येवम निहंति विष्मम ज्वरम। ये आपके कहाँ पर लिखा हुआ है, सारंगधर ने लिखा था। तो इसका अर्थ क्या है, पीतः मरीचि चूर्णेन तुलसी पत्र जो रस है यानी पीले मरीचि का तुलसी पत्र का रस पीले मरीच के चूर्ण से और तुलसी पत्र के रस से और द्रोण पुष्प भी इस प्रकार विषमम ज्वरम निहंती यानी विषेले जहर को मतलब बुखार को नष्ट कर देता है। अब वृक्षारोपण का अंतिम बात लिखी हुई है, वृक्षारोपण का महत्व है, तारयेद वृक्ष रोपेतु तस्माद वृक्षान प्ररोपेत तस्य पुत्रा भवन्ति एवं पादपानात्र संशय। तारयेत वृक्ष रोपी तु, वृक्ष को रोपण करने वाले को तार दिया जाता है, तस्मात वृक्षान रोपयन, इसलिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वृक्ष को रोपण करने वाला तर जाता है, भवसागर से पार होता है, तस्य पुत्रा भवंती उसके पुत्र पैदा होते हैं, पाद पहा न अत्र संशय, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ में ये पार्ट अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट 12वां पार्ट है वो वाङ्मयेन प्राण स्वरूपम हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और 12वें के साथ में ये अपना पूरा कोर्स मतलब पाठ्य पुस्तक पूरी हो जाएगी। तो पूरी की पूरी आपको पढ़ना है, पहले पार्ट से लगाकर 12वें पार्ट को बेरहमी से मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें, हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो, लेकिन शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।